प्रियदर्शकाः, त्रिवर्षपूर्वं वार्तावल्याः प्रारम्भिकाङ्कः विशेषेण आकर्षकः संवृतः आसीत् त्रिज्यान्तर्गतं मान्यवरातिथेः समुपस्थित्या। तत्र च विशेषातिथिपदं विभूषितम् आसीत् अर्थक्षेत्रे नामाङ्कितेन प्रशासनिकवित्तीयव्यवस्थायां च लक्षणीयभूमिकां निर्वहता विदुषा बिबेक देवरॉय महाभागेन। प्रगाढः संस्कृताभ्यासः खलु अस्य विद्वद्वरेण्यस्य अन्यतमं वैशिष्ट्यम्। वार्तावली सौभाग्येन च अद्यतने विशेषप्रसङ्गे श्रीमान् देवरॉयः पुनरुपस्थितोऽस्ति अस्मभ्यं शुभमाकाङ्क्षितुम् अस्माभिश्च सह संवादाय। भारतसर्वकारान्तर्गतस्य नीति इत्यायोगस्य आर्थिकपरामर्शदातृमण्डलीयम् अध्यक्षं निर्वहतः धीमतः डाक्टर् विवेक देवरॉय वर्यस्य वार्तावल्यां पुनरपि स्वागतम्। नमो नमः। महोदय, भवान् वार्तावल्याः ऐतिहासिकः प्रथमः त्रिज्या प्रभागीया तिथिरपि वर्तते, तस्मात् मम अयम् आदिमः प्रश्नः। प्रथमाङ्कात् वर्षत्रयाङ्कं यावत् इदानीं यावत् प्रसारिता या वार्तावली वर्तते, तस्याः समीक्षा कथं विधास्यते भवता? मम अधिकारः नास्ति यत् अहं वदामि। यदि व्याकरणदुष्टा त्रुटिः भविष्यति तर्हि क्षम्यताम्। वार्तावली मे न्यूज़ सम्पर्कित जो विषय है वो जो बाकी चर्चा है उससे अलग होना चाहिए, दोनों को एक साथ जोड़ना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है आधा घंटा न्यूज़ हो साक्षात्कार, आधा घंटा बाकी जो हो, और वार्तावली जो है हर रोज़ हो प्रत्यह, और थोड़ा सा प्राइम टाइम में। अचिरादेव वर्तते भवता अनूदितं महाभारतस्य आङ्ग्लं संस्करणं, तत्र किम् अस्ति वैशिष्ट्यं, नाम किं वर्तते नावीन्यं? जनाः चिन्तयन्ति यत् महाभारतस्य बहवः समग्र अनुवादः ग्रन्थाः सन्ति, त्रयः एव समग्र अनुवादः ग्रन्थः उपलभ्यन्ते। द्वे ऊनविंशतमे शताब्दे अन्तिमभागे किशोरीमोहन गङ्गोली महोदय च मन्मथनाथ दत्त च महोदय कृतवन्तो। मम कृत अनुवादग्रन्थ तृतीय। इदानीं युवकाः युवतयः च आङ्ग्लभाषायां वदन्ति पठन्ति च। मन्ने आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादम् आवश्यकम्। अतः एतत् प्रयत्नम्। महाभारतस्य विषये एका प्रसिद्धिः वर्तते, यदिः अस्ति तदन्यत्र, यन्नेयः अस्ति न तत् क्वचित् इति। भवान् अर्थशास्त्री अपि, तस्मात् अर्थशास्त्रस्य तत्र केचन प्रमुखाः विषयाः भवता पुनरपि अधिगताः स्युः। आप जो महाभारत से श्लोक कोट कर रहे हो, मैं तो कहूँगा वो इवन मोर एप्लीकेबल है पुराणों के लिए, क्योंकि इकट्ठा इतिहास पुराण है पंचम वेद। हमारे जो डिस्क्रिप्शन है इनमें तीन अलग अलग गोष्ठी का तीन अलग अलग रोल हुआ करता था। एक तो राजा का धर्म, राजधर्म। आजकल राजा का मतलब है सर्वकार, और हम सरकार से बहुत सारे कुछ अपेक्षा रखते हैं। सब कुछ सरकार को करना चाहिए। उस जमाने में राजा का काम बहुत ही सीमित हुआ करता था। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी कि डिफेंस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, प्रॉपर्टी राइट्स, बस बाकी सब काम और कोई करते थे। जैसे कि गृहस्थ, मेरा काम है अर्थ उत्पादन करना विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लॉ, मगर वो पंच यज्ञ जो है वो हमें करना चाहिए, और वो मुझे करना चाहिए इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी ने मेरे सिर के ऊपर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डंडा घुमा रहा है, मुझे करना चाहिए क्योंकि वो मेरा स्वधर्म है।
उसी तरह ऊपर राजा, नीचे गृहस्थ और बीच में कम्युनिटी। बहुत सारे कुछ ऐसे थे जो कम्युनिटी करते थे, जैसे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, रेस्ट्रिक्टिव बिजनेस प्रैक्टिसेस। उस जमाने में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं हुआ करता था, जरूरत नहीं थी, आवश्यक नहीं थी, कम्युनिटी अपने आप स्किल डेवलपमेंट वही करते थे, एमआरपी वही करते थे। ये जो है हम बिल्कुल भूल चुके हैं। सांप्रतिकी या कर व्यवस्था वर्तते, तस्याः कर व्यवस्थायाः आधारः पूर्वतनाः अस्मदीयाः संस्कृत ग्रन्थाः वर्तन्ते इति संस्कृतज्ञानां वर्तते कश्चन सिद्धान्तविशेषः। तर्हि भवान् तु भारतसर्वकारस्य अर्थशास्त्री, संस्कृतेपि भवान् स्नेहयति, तस्मात् भवतः अपेक्षया कः उत्तरितुं शक्नुयात् एतस्य सत्यता विषये? टुडे वाट् इस् द टेक्स् जी डी पी रेशियो, एस् टेक्स् नेशनल् इन्कम् रेशियो आफ् यूनियन् गवर्न्मेण्ट् प्लस् स्टेट्स्, आज 17% है। तब क्या हुआ करता था, द किंग कलेक्टेड 1/6, लगभग क्या है, वही है 17%। तब भी 17% हुआ करता था, आज भी 17% है। आज हम ज़्यादा कुछ टैक्स नहीं दे रहे हैं, मगर आज हम डिमांड बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें अपने जो करना चाहिए वो करते नहीं हैं। भवान ट्विटर इत्यादि सामाजिकांतरजाल फलकेषु अपि संस्कृतस्य प्रयोगं कदाचित् करोति, कदाचित् हाँ करोति भवान, पुनश्च तत्र संस्कृतस्य ये अनुरागिणः अन्ये वर्तन्ते तेपि भवतः ट्वीट् इत्यादिकं दृष्ट्वा उत्साहिनः भवन्ति। ईदृशं समग्रं संस्कृतानुभवं कृपया अस्मत् समक्षमपि पुरस्करोतु इति। संस्कृत जो है ये हमारा संस्कृति है, संस्कृत का बहुत ज़्यादा प्रसार होना चाहिए, जिसमें वार्तावली भी एक उपादान है। और ये करने के लिए वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस मिथ, और मैं मिथ ही कहूँगा, दैट संस्कृत इज़ अ डेड लैंग्वेज। इट इज़ नॉट अ डेड लैंग्वेज, इट इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ अलाइव। संस्कृत बिकम्स अ थर्ड लैंग्वेज और अ फोर्थ लैंग्वेज। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, बट द सेंसस फिगर विल नॉट शो इट। भवान वर्तते बहुव्यस्तः भारतस्य अर्थशास्त्रित्वेन, तथापि संस्कृताय भवतः पार्श्वे वर्तते समयः, तर्हि संस्कृतसाहित्ये भवता किं किम् अधीतम् इदानीं यावत् स्वरुच्यनुसारं? संस्कृतविषये तु कुछ न कुछ पढ़ता रहता हूँ, मगर संस्कृत में क्योंकि मेरा अगला अनुवाद जो है, मेरी इच्छा है कि अष्टादश पुराण का मैं अनुवाद करूँ। आई एम नाउ रीडिंग द मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण इज वेरी पॉपुलर विदाउट पीपल रियलाइजिंग इट इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज द एंटायर बेसिस फॉर दुर्गा पूजा एंड चंडी, दिस इज द मार्कंडेय पुराण। भवान संगीते पि स्नेहयति, अर्थात छंदसि अपि भवतः तत्र प्रसक्तिः वर्तते इति ज्ञातवान् अस्मि। तर्हि छन्दः विषये, छन्दः विषयम् आधृत्य वा संस्कृतभाषायाः कथं विकासः स्यात् इत्यपि तत्र अवधारणा भवता विकसिता काचित्? प्रलय पयोधिजले धृतवानसि वेदं विहितवहित्रं चरित्रं अखेदं, दिस इज जयदेव। बिफोर दैट राइमिंग वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, सो व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट वाज छंद। एंड छंद इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक फॉर ऑल इंडियंस, छंद, सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, इट इज डीपली डीपली इनग्रेन्ड। One of the most common chandas is of course Anushtup. Anushtup is 8 aksharas each line and a combination of laghu guru. And Anushtup is everywhere, itihas, puran, everywhere it is there. Vakra tunda mahakaya surya koti samaprava at. Hum ye chanda ko kyun nahi istemal karte sanskrit sikhane ke liye, mujhe samajh mein nahi aata hai। नहीं, वो पहले वो विभक्ति टेबल्स पढ़ लो, किस लिए? महाशय, साक्षात्कारार्थं संस्कृतार्थं च अपेक्षित समयं प्रदातुं भवते अर्थशास्त्रिणे समर्पयामि सकारतज्ञं धन्यवादं। धन्यवादः, पुनर्मिलामः।